हाय एवरीवन, कल मेरे घर पे लक्ष्मी पूजा थी। चलो देखते हैं मैं और मम्मी ने दोनों ने लक्ष्मी पूजा की तैयारी कैसे की। मम्मी यहाँ पे भगवान का दिया लगा रही है, मैं फूलों से भगवान के लिए हार बना रही हूँ। कल 9 तारीख था, जितने भी बंगाली लोग हैं उनके सभी के घर में कल 9 तारीख को लक्ष्मी पूजा हुई थी। हमारे घर में थोड़ा सा अलग पूजा होता है, केले के झाड़ को साड़ी पहना के उसको भगवान बना के उस केले के झाड़ को भी पूजा करते हैं, तो उसी के लिए हम फूलों से और एक हार बनाएंगे। 2 हार बनाई मैं। सभी के घर में केले के झाड़ को पूजा नहीं करते, कमेंट में बताना कि किन किन के घर में केले के झाड़ को भी पूजा करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 2 भी बनाई हूँ। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मेरे पार्ट 2 का भी वीडियो देखें, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं कि सभी के घर में नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लोगों के घर में होते भी हैं। उस वीडियो में लक्ष्मी माँ के लिए सूजी का हलवा भी बनाई मैं और लक्ष्मी माँ की पैर के छाप भी बनाए। मेरे सभी वीडियो को लास्ट तक देखे बिना स्किप करें और एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें। और एक मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड किया कि नारियल के हार्ड छिलके को आसानी से कैसे बाहर निकालें, तो मेरा वो वीडियो भी देखना जिनको नहीं पता, जिनको नहीं आता कि उसका नारियल का हार्ड छिलका कैसे निकाले आसानी से, तो वो वीडियो देखने से आपको पता लग जाएगा, आप आसानी से कर सकते। हमारे घर पे केले के झाड़ के जो छिलके होते हैं बाहर के, उसी से बोट बनाते हैं, जो पानी में तैरते बोट वो। तो किन किन के घर में ऐसा बनाते हैं पूजा के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। हर साल पापा बनाते हैं, इस साल मैं बनाई, तो देखते हैं कैसे मैं बनाई। बोट के ऊपर 2 गिलास बनाएंगे, इसी केले के झाड़ के छिलके से बनाएंगे, उसमें धान चावल रखते हैं। मम्मी या दादी बोलती थी कि जब लक्ष्मी माता आती है उसी में धान चावल लेके जाते हैं, इसीलिए हम उनके पास धान चावल का ये बोर्ड भी रखते, धान चावल भर के रखते हैं उसमें। ऐसा हर किसी के घर में नहीं बनाते, मेरे मामा के घर में ऐसा नहीं बनाते थे, मेरे घर में ही देखती थी मैं दादी ऐसे बनाते थे, इसमें रखते धान चावल और केले का झाड़, धान का झाड़ और धोपा का झाड़ भी रखते हैं। ऐसा सभी के घर में नहीं रखते, पर हमारे घर में ऐसा रखते हैं। मेरा बोर्ड बना के तो हो गया, अब इसमें वो गिलास बनाएंगे। गिलास बनाने के लिए जो केले के झाड़ के जो छिलके हैं बाहर के हार्ड रहते, उसको हम काट के बाहर कर दिए, थोड़ा सा अंदर का नरम रहता उससे फोल्ड होते, फोल्ड करने के लिए बाहर का काट के फेंके, तो उसको हम गोल राउंड करके फोल्ड करके गोल करके उसको कोई भी लकड़ी से सिकर कर ले कि वो ना निकले ना खुले, उसके बाद हम 2 बनाएंगे। वो 2 बनाएंगे, एक में चावल रखेंगे और दूसरे में धान और मुरली रखेंगे।
मेरा दो गिलास बना के हो गया। इसको बोर्ड के ऊपर रखे लकड़ी से इस अच्छे से इसको सिक्योर कर लेंगे कि वो ना गिरे। मेरा बोर्ड तो हो गया बनके रेडी। अभी बोर्ड को चलाने के लिए जो लकड़ी होता है वो बना रही हूँ मैं, वो भी चाहिए, वो भी बनाते हैं। वो लकड़ी भी बनाना ज़रूरी है, क्या बोलते हैं कि लकड़ी नहीं बनाएंगे तो बोर्ड कैसे चलाएंगे, लक्ष्मी माँ बोर्ड कैसे चलाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, इसलिए तो बोर्ड का भी लकड़ी बनाना पड़ता। बोर्ड तो बना के हो गया, अभी मम्मी बाकी की तैयारी कर रही है। अभी शाम हो गई, अभी पूजा करना है इसलिए बाकी की तैयारी चालू है। लक्ष्मी माँ को कमल का फूल भी देते हैं। कमल का फूल सभी लोग देते हैं, सभी के घर में जितने भी बंगाली लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा, उन सभी के घर में कमल का फूल देते हैं। ये जो बोर्ड बनाई थी मैं, उसी में मम्मी ये सिंदूर लगा रही है, अभी उसमें धान चावल भरेंगे। मम्मी यहाँ पे लक्ष्मी माँ को भोग लगा रही है, कच्चे चावल केले कच्चे दूध से लक्ष्मी माँ का प्रसाद तैयार किया। देखिए मम्मी बोर्ड में धान चावल भर रही है। और ये है हमारा गुरु जो सफेद कपड़े में बैठा है। हमारे गुरु को हमेशा सफेद चीजें ही अच्छा लगता है, तो उनको प्रसाद भी सफेद देते हैं हम, और फूल भी सफेद ही देते हैं। लक्ष्मी पूजा तो सभी लोग करते हैं, चाहे बंगाली हो या दूसरे जात का भी हो, सभी के घर में लक्ष्मी माँ का पूजा होता ही है। मेरे लिए ही ना सही, लक्ष्मी माँ के लिए मेरे इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो। जो लोग नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लक्ष्मी माँ के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो। मेरे पार्ट टू का भी वीडियो ज़रूर देखें, इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा है उस पार्ट टू में। प्लीज़ पार्ट टू का भी वीडियो देखिए, फिर अब सभी को समझ में आएगा कि हमने पूजा की तैयारी कैसे की। डिस्क्रिप्शन में पार्ट टू का लिंक डाल दूंगी, और जो केले का झाड़ का पूजा है वो भी पार्ट टू में ही आएगा। उसको साड़ी पहनाएंगे और उसका पूजा भी करेंगे, सब पार्ट टू में ही होगा, इससे ज़्यादा पार्ट टू में ही लिखेगा सब कुछ, तो पार्ट टू को देख लो।